सुप्रभात क्लास 12। पिछले दिन आप लोगों को पतंग कविता पढ़ा रहे थे। पतंग कविता में सबसे तेज बौछारें गई यानी भादो महीने के जाने की चर्चा थी, और उसके बाद जो शरद ऋतु में सुबह हुआ यानी सवेरा हुआ, वो उसकी लालिमा की तुलना या लालिमा की उपमा यहाँ कवि ने खरगोश की आंखों से की है। अर्थात ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आगे बताएंगे कि शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अर्थात शरद के आने पर, जब शरद ऋतु आती है तो उसके पहले जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में हर तरफ कीचड़ होता है और ऐसे में बच्चे निकलकर खेल नहीं पाते। उसके बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शरद ऋतु जो आया वो बारिश की पुलों को पार करता हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यानी ये बच्चों के लिए है कि उसके बाद शरद ऋतु के आगमन पर बच्चे प्रसन्न होकर के अपनी साइकिल घर से लेकर के तेज जोर जोर घंटी बजाते हुए वो निकल पड़ते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कविता का नाम ही है पतंग, और ये पतंग जो है ये बच्चों की भावनाओं से ही जोड़ करके कहा गया है। तो यहाँ पर की चमकीली इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी बच्चों का जो भाव है वहां पर उसको कभी व्यक्त करते हैं कि शरद के आने पर यानी शरद ऋतु के आने पर बालक जो है अपने साइकिलों को लेकर निकल पड़ते हैं, हॉर्न बजाते हैं, घंटी उसका बजाते हैं जोर जोर से। और इस समय ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अब बारिश का डर नहीं है। जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले हैं उनको बच्चे साइकिल से जा जाके वहां घंटी बजा के और संकेतों के द्वारा, चमकीले इशारों यानी संकेत से वो उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं। बालकों की शारीरिक कोमलता आकाश को कोमल बना रही है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी बच्चों की जो शारीरिक कोमलता है वो इसे मुलायम बना रही है। किसको? यानी आकाश को। बच्चों का मुलायम होना, बच्चों का मासूम होना, बच्चों का कोमल होना वो आकाश को भी मुलायम बनाने का काम कर रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, कलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग संसार की सबसे हल्की वस्तु है, रंगीन भी है और इतनी हल्की कि अन्य किसी वस्तु में उड़ने की क्षमता नहीं होती। पतंग के अलावे किसी भी वस्तु को यदि हम उस तरह से उड़ाना चाहें तो वो उड़ेगा नहीं। संसार के सबसे पतले कागज की बनी पतंग बांस की सबसे पतली कमानी को लेकर आकाश में उड़ती है। यानी सबसे जो पतला कागज होता है उस कागज से पतंग बनाया जाता है। मोटा चार्ट पेपर लेके यदि पतंग बनाया जाए तो वो नहीं उड़ेगी। और बांस की जो सबसे पतली कमानी होती है उसको लेकर के वो आकाश में उड़ती है, और उड़ते समय ये बच्चे आनंद मग्न होकर सीटियां बजाते हैं, किलकारी मारते हैं, लगता है तितलियों का कोमल समूह को। यानी ऐसा करते समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बच्चों का जो झुंड है वो तितलियों की कोई नाजुक दुनिया हो। यानी इतना जो कविता का प्रसंग भाव है उसमें कवि के द्वारा ये बताने का प्रयास हो रहा है कि बारिश अर्थात भादों का महीना बीत गया और शरद ऋतु के आने पर बच्चे प्रसन्न हो अपने समूह के बच्चों को लेकर के, और उनके साथ पतंग उड़ाने के लिए जब तैयार होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तितलियों की कोई नाजुक दुनिया हो। इतनी कविता जितना कम इसलिए बताते हैं कि एक तो वीडियो में आपको देखने में सुविधा होगी, और दूसरा कि जितना यहाँ सबसे तेज बौछारों से लेकर तितलियों की नाजुक दुनिया तक एक पूरा जो इसका स्टेंजा है
इसका आप अर्थ कॉपी में भी लिख के देख सकते हैं, अगर कहीं असुविधा हो तो जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और इसका विशेष जो है यानी काव्य सौंदर्य जो है वो हम आपको बता भी देंगे, तो उसको आप कॉपी पर भी लिख लीजिएगा।